आंकड़ों की बात अगर करें हम लोग तो फर्स्ट वेव के जो आंकड़े थे उसमें जो पूरे प्रदेश में बच्चों की जो 18 साल से कम बच्चों की जो मृत्यु हुई थी 17 थी फर्स्ट वेव में। सेकंड वेव में दोगुना इन्फेक्शन था, ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ केसेस थे, लेकिन सेकंड वेव में 12 बच्चों की मृत्यु हुई है पूरे प्रदेश में। तो आप अभी भी ये देखेंगे कि जो मैक्सिमम बच्चे थे, जो ज्यादातर बच्चे थे, वो माइल्ड सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक वाले ही कोर्स थे। हमारे साथ बच्चों के इलाज के लिए प्रदेश स्तर पर बनी कमेटी के सदस्य डॉक्टर विशाल कौशिक हैं, जो दून मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। उनसे जानेंगे कि तीसरी लहर की बात की जा रही है, आप बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, तीसरी लहर के बारे में जो आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रत्यक्ष तीसरी लहर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो दो ही कारणों पर जो लोगों ने ये बताया है कि शायद ये आ सकती है, वो दो कारण मेन ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो लाइसेंस्ड है बच्चों में लगाने के लिए। 18 साल से कम वाले जो बच्चे हैं उनमें कोई भी अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है लाइसेंस्ड। तो पहली चीज ये है कि वो लोग कहते हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन दिया है कि जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन रह जाएगी जिनको टीकाकरण नहीं होगा वो 18 साल से कम वाले बच्चे होंगे। दूसरी बात ये है कि बच्चों में जो मास्क एटिकेट्स हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं हैंड वॉशिंग, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि छोटे बच्चों को इस बारे में ज्यादा समझ नहीं होती है। तो ये तो मुख्य कारण है जिसके बेसिस पे प्रेडिक्शन किया गया एक्सपर्ट द्वारा कि थर्ड वेव में बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। बट मैं अभी जो आपसे बात करूंगा वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो बात क्या है कि हमने जो फर्स्ट वेव में देखा, हमने जो सेकेंड वेव में देखा, और जो हम लोग थर्ड वेव के बारे में भी हम मतलब प्रेडिक्शन कर सकते हैं उस बारे में कि बच्चे फर्स्ट वेव में भी बहुत कम इन्फेक्टेड थे, सेकेंड वेव में भी बच्चे बहुत कम इन्फेक्टेड थे, और थर्ड वेव में ही हम लोगों का जो प्रेडिक्शन है वो भी इसी प्रकार से होगा कि बहुत सारे कारण है जिसको हम देखते हैं कि बच्चे कम इन्फेक्टेड हो रहे हैं। बच्चों में जो मुख्यतर जो इन्फेक्शन देखा जा रहा है जिसे हम कैटेगरी जिसमें डिवाइड करते हैं माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, तो ज्यादातर बच्चे माइल्ड केसेस ही थे, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक हल्के लक्षण वाले, और कुछ बच्चे थे जो एसिम्प्टोमेटिक भी थे। मॉडरेट वाले भी बहुत कम थे, सीवियर वाले तो बहुत ही कम बच्चे थे। तो हमने जो अभी भी हमारा जो ट्रेंड था तो हमने यही देखा कि जो माइल्ड वाले केसेस सबसे ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड कम लक्षण वाले, मॉडरेट वाले थोड़े से, और सीवियर वाले तो बहुत ही कम। आंकड़ों की बात करें, अगर आपकी कमेटी ने एक आंकड़ा प्रदेश का जुटा करके सरकार को भी भेजा था, तो उन आंकड़ों पर जरा सा दर्शकों को, आंकड़ों की बात अगर करें हम लोग तो फर्स्ट वेव के जो आंकड़े थे उसमें जो पूरे प्रदेश में बच्चों की जो 18 साल से कम बच्चों की जो मृत्यु हुई थी 17 थी फर्स्ट वेव में। सेकंड वेव में दोगुना इन्फेक्शन था, ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ केसेस थे, लेकिन सेकंड वेव में 12 बच्चों की मृत्यु हुई है पूरे प्रदेश में। तो आप अभी भी ये देखेंगे कि जो मैक्सिमम बच्चे थे, जो ज्यादातर बच्चे थे, वो माइल्ड सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक वाले ही कोर्स थे, यानी ठीक होकर के सर सभी बच्चे ज्यादातर ठीक होकर अपने घर गए। ओके, अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। जो आपने एक कमेटी ने, आपके बाल रोग विशेषज्ञों की एक कमेटी थी, एक प्रोटोकॉल बनाया, तो किस किस हिसाब से कैटेगरी वाइज किया है उसको, और क्या प्रोटोकॉल आपने सब अस्पतालों को दिया है? एक्चुअली हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है उसमें बच्चों को हमने तीन एज ग्रुप्स में डिवाइड करा है जी। तो पहले जो बच्चे हैं नवजात शिशु जिनकी हम बात करते हैं 28 डेज वाले, लेस देन वन मंथ वाले, वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है 1 महीने से ऊपर वाले लेकिन 2 साल से कम वाले बच्चे। तीसरी कैटेगरी है 2 से 18 साल वाले बच्चे। तो हमने तीन कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करा है, क्योंकि हम लोग जो दवाइयां देते हैं उनको, जो हम उनको कैटेगराइजेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो एज बेस पे होता है। और उसके बाद हमने इनको माइल्ड मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो बहुत ही मामूली लक्षण वाले, कम लक्षण वाले, और बहुत ही गंभीर जो बीमारी से ग्रसित होंगे उसके हिसाब से हमने ड्रग ट्रीटमेंट और ये प्रोटोकॉल बनाया। तो पहले तो हमने एज बेसिस पे उनको डिवाइड करा है, और उसके बाद लक्षणों के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया। आपकी कमेटी ने एक सरकार से सिफारिश की थी जिसमें सरकार ने एक आदेश भी कर दिया है, एक विशेष तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर जिसमें आप माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, वो किस तरह से दिया जाएगा और कितना नंबर प्रदेश में उन बच्चों का होगा और क्या उम्र होगी? देखिए, 18 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं वो लगभग 50 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली पूरे प्रदेश में है। तो हमारी जो कमेटी है उसने ये सजेस्ट किया है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तो बेसिकली ये देखा गया है कि ये जो सारी चीजें हैं ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। बहुत सारे बच्चे जो इंडियन सिनेरियो में है, कुपोषण की वजह से, जो हम लोग कहते हैं
कि डाइट ठीक नहीं है हाँ। और ट्रेंड ठीक नहीं है खाने का, तो उस वजह से बहुत से बच्चों में देखा जाता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत सारे बच्चों में देखी गई है। तो उनकी जो इम्यूनिटी है इस वजह से बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो हम लोग अगर इस कमी को पूरा कर दें हाँ। तो ये देखा जाएगा कि इम्यूनिटी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत हद तक अच्छी रहेगी, तो उनमें जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो भी कम होगा, कम रहेगा, महफूज रहेंगे बच्चे, बच्चे बहुत हद तक महफूज रहेंगे। अब अंतिम सवाल मैं करूंगा, कोरोना से बचाव के लिए जो जच्चाएं हैं घरों पर नवजात जिनके शिशु है या बड़े बच्चे भी हैं 5 से 7 साल के 10 साल के, वो महिलाएं घर पर सब जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का एहतियात बरते ताकि अपने बच्चों को वो कोरोना से बचा सके। आपकी कमेटी ने एक सरकार को एडवाइस भी किया है और बच्चों के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं आपने, उनके बारे में जरा देखिए। सबसे पहला तो सुझाव खान पान को लेकर है जी, खान पान में तरल पदार्थ ज्यादा लें, बच्चों को तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा कराएं जी। दूसरा प्रोटीन जो है उनकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं हाँ, खाने में हाँ, तीसरी चीज हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ही दें, मतलब हाँ, ताजा बना हुआ खाना दें, बासा हाँ, खाना ना दें हाँ, चौथी चीज फल हरी सब्जियां उसमें ज्यादा इंक्लूड करें हाँ, एक बैलेंस डाइट दें बच्चों को, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ दें, एक ही प्रकार का खाना लगातार ना देते रहे बच्चों को हाँ, तो बैलेंस डाइट पे अगर आप फोकस रखेंगे तो बहुत हद तक अपनी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आप वैसे भी कम कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि घर पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, जब मतलब बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले, अगर घर से बाहर निकले तो अपने सारे एहतियात रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉशिंग। आप अगर घर पे वापस आते हैं, बच्चे देखिए, बच्चों को जो इन्फेक्शन, हमने जो ट्रेंड देखा इस बारी जो फैमिली क्लस्टर्स भी हुए हाँ, उसमें देखा गया है कि बच्चे जो इन्फेक्ट हुए हैं यूजुअली अपने माता पिताओं से इन्फेक्ट हुए हैं। okay. तो अगर आप आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं या आपका घर से बाहर जाना बहुत जरूरी है हाँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं तो वापस जब घर पे वापस आए तो हमेशा अपने हाथ जरूर धोएं, अपने कपड़े चेंज करें, जूते अपने घर से बाहर उतारें, कोशिश करिए नहा धो के ही अपने बच्चों को हाथ लगाएं। तो अगर आप ये सारी चीजें प्रिकॉशंस लेते हैं तो बहुत हद तक आप इस संक्रमण को रोक सकते हैं। कोई भी सिम्टोमेटिक आपके घर पे है, किसी को भी हल्के से भी लक्षण आ रहे हैं, तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे। अगर आइसोलेट हो जाते हैं वो लोग तो बहुत हद तक जो हमने प्राइमरी क्लस्टर देखे हैं, जो फैमिली में सारे लोग ही एक साथ पॉजिटिव हो गए, इसको हम रोक सकते हैं। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है, लक्षणों को पहचानने की बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल।